हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो महत्वपूर्ण सम्मेलन किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी हम जल, वायु, मिट्टी, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, पर्वतों, नदियों के बारे में सुनते हैं या उनका जिक्र करते हैं, इसका मतलब है कि हम पर्यावरण का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सभी मिलकर पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन मनुष्य की दोहनकारी नीतियाँ, मनुष्य का उपभोक्तावादी नीतियों ने प्राकृतिक को बहुत ही प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आए दिन बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। जैसे देखते हैं तो हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सामुद्रिक पर्यावरण से संबंधित समस्या आ रही है, उसमें हम कचरे का इतना फेंक रहे हैं जिसके कारण समुद्र में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, जिससे पूरा प्राकृतिक क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। लेकिन हमारे सामने समस्याएं तो बहुत सारी आ ही गई हैं प्राकृतिक से संबंधित, लेकिन मनुष्य ने उसके समाधान के लिए कुछ तरीके सीखे हैं जिसके आधार पर वो प्रतिवर्ष सम्मेलन करते हैं प्राकृतिक संरक्षण को लेकर के। तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जो आज का विषय है महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन। तो पहला जो सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन, सबसे पहली बार क्या हुआ था कि प्राकृतिक संरक्षण को लेकर जो समस्या है 1970 तक ही मनुष्य तक आने लगी थी, उसकी समझ बनने लगी थी कि प्राकृतिक क्या हो रहा है, बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, इसके संरक्षण के लिए हमें कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन फिर सन 1972 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहली बार सम्मेलन किया गया, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, इसमें 119 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। 119 देशों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। इसलिए इसे वैश्विक रूप से इसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कहा जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि यह प्रथम मानव पर्यावरण, इसे हम प्रथम मानव पर्यावरण दिवस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहली बार मानव ने वैश्विक रूप से मिल करके, कई देशों ने मिल करके पर्यावरण के बारे में सोचा, उसके संरक्षण के बारे में सोचा। तो इसे प्रथम मानव पर्यावरण दिवस भी कहा जाता है, साथ ही इसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज होता है, उसके आधार पर इसे हम पर्यावरण का क्या करते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी में क्या हुआ था कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? एक ही पृथ्वी। एक ही पृथ्वी का सेंस ये है, देश अलग अलग हैं लेकिन जो जलवायु है, जो मौसम है, या जो प्राकृतिक संबंधित जो घटनाएं हैं वो सभी के लिए क्या है, एक है। अगर किसी देश की जलवायु परिवर्तित हो रही है तो वह दूसरे देश की जलवायु के लिए भी क्या होगी, प्रभावित होगी, उसके लिए भी नुकसानदायक होगी। अगर मान लीजिए ओजोन क्षरण जैसे समस्या उत्पन्न हो रही पूरे विश्व में, तो क्या होगा, केवल एक देश को तो प्रभावित करेगा नहीं, पूरे देश को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पर एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया, कहने का सेंस ये है कि पूरा पृथ्वी ही, पूरे जो देश हैं वो पूरी पृथ्वी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या कहने का सेंस ये है कि सभी देशों की सोच क्या होनी चाहिए, जलवायु को लेकर के, प्राकृतिक को लेकर के एक होना चाहिए। अगर हम प्राकृतिक संरक्षण के बारे में सभी लोग मिलकर नहीं सोचेंगे तो सभी के लिए कहीं ना कहीं समस्या आकर क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसमें देखा जाए तो इसे प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसके कारण 5 जून 1973 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें यह डिसाइड किया गया कि हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो 5 जून 1973 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो इसी सम्मेलन में UNEP का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी इसी के अंतर्गत, जिसका जो मुख्यालय कहाँ है,
नैरोबी केन्या में है। तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो नैरोबी, और कहाँ है नैरोबी, कहाँ स्थित है, केन्या में स्थित है। इसका लक्ष्य क्या था, यूएनईपी का गठन करने के पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। इसका लक्ष्य ये था कि इसके अंतर्गत यूएनईपी पर्यावरण हितैषी जो भी पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं उसके लिए वो कानून नियम बनाने का क्या करती है, काम करती है, जो भी अभी भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मेन काम ही है कि पर्यावरण को क्या करना, उसको समझना, उसमें आ रही समस्याओं को क्या करना, समाधान करना, और उस समाधान के लिए कानून नियमों का क्या करना, निर्वहन करना, यही यूएनईपी का क्या है, मेन लक्ष्य है। देखा जाए तो इसके द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण क्षेत्र के लिए हम जब अच्छा काम करेंगे तब उसके लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो यूएनपी जो है यूएनईपी के द्वारा ही ग्लोबल 500 प्राइज दिया जाता है। इसका मुख्यालय क्या है, नैरोबी केन्या में। उसके बाद साइट्स, CITES साइट्स, साइट्स जो है 1973 में अस्तित्व में आया। साइट्स जो है इसका अस्तित्व कब आया, 1973 में आया। 21 सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आया, वाशिंगटन सम्मेलन जो कि 1973 में हुआ था उसके परिणाम स्वरूप साइट्स क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, जिसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीजेस। कहने का सेंस ये है कि इसका लक्ष्य देखा जाए तो ये विश्व जो भी वन्य जीव संरक्षण है ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता है। मतलब कि अगर किसी जीव का व्यापार हो रहा है, कोई बहुत ही मतलब ऐसा जीव जो कि संकटग्रस्त प्रजाति में आती है, उसका रहना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी उसका क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है या अंगों की क्या हो रही है, बिक्री हो रही है, तो इस सेंस में उसका प्रतिषेध करने, उसके विरुद्ध कानून बनाने का काम साइट्स करते हैं। तो साइट्स देखा जाए तो इसको विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण संस्था भी कहते हैं। मीन्स इसे विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव, ये दिमाग में रखिएगा, इसे विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण संस्था कहते हैं। किसे कहते हैं, साइट्स, क्योंकि ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या करता है, काम करता है। ये इसका गठन तो 1973 में हुआ था लेकिन ये प्रभावी रूप से लागू कब हुआ था, 1976 में। तो ये दिमाग में रखिएगा साइट्स। उसके बाद क्या होता है, हेलसिंकी सम्मेलन होता है। कब होता है, 1974 में। हेलसिंकी सम्मेलन जो होता है 1974 में होता है, और हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ है, फिनलैंड में। कहाँ पर है, फिनलैंड में है। ये इसका लक्ष्य क्या है, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका क्या किया गया, गठन किया गया, मतलब ये सम्मेलन किया गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षेत्र व्यापक हो रहा है, लोगों का ध्यान किस में जा रहा है, सामुद्रिक पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्राकृतिक का निर्माण हर एक तत्वों से मिलकर बना है। अगर सामुद्रिक पर्यावरण नहीं सही रहेंगे तो उसमें उपस्थित जो जल जीव जंतु हैं वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगर वो प्रभावित होंगे या उनमें मृत, वो भी मृत की ओर जाएंगे, मतलब मरेंगे, तो इस सेंस में प्राकृतिक पूरी क्या हो जाएगी, अवस्थित हो जाएगी। क्योंकि समुद्री जल जीव जंतु में आप जानते होंगे मछली प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो हेलसिंकी सम्मेलन में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या की गई, बात की गई। उसके बाद लंदन सम्मेलन होता है 1975 में। लंदन सम्मेलन कब होता है, 1975 में। इसका लक्ष्य क्या है, समुद्र में कचरे का निस्तारांतरण के लिए। मतलब ये भी समुद्र से ही रिलेटेड है लेकिन इसका संबंध किससे है, कचरा से। मतलब समुद्र में जो भी कचरा फेंका जा रहा है, जो भी कचरा का सेंस ये है, जैसे कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी, या जब हम लोग जाते हैं कहीं जो समुद्री जहाज चलती हैं तो उसमें कई लोग रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उनसे निकला हुआ जो भी अवशिष्ट पदार्थ या जो वो यूज करते हैं, बोतल वगैरह है ना, या जो अवशिष्ट चीज़ें होती हैं उसको क्या कर देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। जिससे क्या हो रही है, बहुत भारी संख्या में समुद्र में कचरे का
कचरे इकट्ठा हो रहे हैं, जो किसके लिए इफेक्टिव है, वहाँ पर समुद्र में रहने वाले जल जीव जंतु के लिए क्या है, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इस सेंस में लंदन सम्मेलन में समुद्र में कचरे के निस्तांतरण के लिए बात किया गया, मतलब जो समुद्र में कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका समाधान कैसे किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए या कौन कौन से कदम उठाए जाए ताकि समुद्र में कचरा न फैलाया जा सके। उसके बाद आता है वियना सम्मेलन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका। ये सम्मेलन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। अरे वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसका जो लक्ष्य क्या था, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है वियना सम्मेलन, रीज़न ये है कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के, ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के पहली बार बैठक की गई, पहली बार बहस की गई। कब की गई? वियना सम्मेलन में। अब वियना सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1985 में। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर वियना सम्मेलन सबसे पहला सम्मेलन था जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या की गई, बात की गई। उसके बाद हम आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ये 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। अब इसमें, इसको जानने से पहले हम एक रिपोर्ट जान लेते हैं, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। उसी समय 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट? ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा साझा भविष्य। ब्रेटलैंड रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहीं से सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। अब ये सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब ये है कि हमें पर्यावरण का, पर्यावरण से जो भी संसाधन हमें मिल रहे हैं उसका हमें इस प्रकार उपयोग करना है ताकि हमें, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो प्रभावित ना हो, मतलब उसे किसी चीज़ का समझौता ना करना पड़े अपनी ज़रूरतों को लेकर के। हमें उस दायरे पर रहकर पर्यावरण से जो भी हमें संसाधन मिल रहे हैं उसका हमें क्या करना, उपयोग करना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया था। इसका, ब्रेटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक भी पूछा जाता है, जिसका आवर कॉमन फ्यूचर, जिसका शीर्षक क्या रहा है? आवर कॉमन फ्यूचर। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों इम्पोर्टेंट है, जो 1987 में हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए, इसके पहले वियना सम्मेलन हुआ था, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का मतलब होता है बाध्यकारी होता है। जैसे आप लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में सुना होगा, को प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसी प्रकार प्रोटोकॉल शब्द ही क्या होता है? बाध्यकारी, मतलब जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे इससे संबंधित, उस सभी देशों के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि ओजोन परत को जो प्रभावित करने वाले जो गैस है, जो तत्व, उस पर ध्यान दिया गया, उसमें फोकस किया गया। वियना सम्मेलन में केवल उसमें चर्चा की गई ओजोन परत को लेकर के, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उसमें ये बताया गया कि ओजोन परत को कौन कौन से गैस या कौन कौन से तत्व क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो उसमें क्या ये प्रतिबंधित करने की बात की गई। तो इसी में क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, इसके बारे में प्रसेद करने की बात की गई। और सबसे मुख्यतः ये है कि इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने की बात की गई, इसको प्रसेद करने की बात की गई कि अब इसका उत्सर्जन हम ना के बराबर करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस सम्मेलन या किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ओजोन परत के से संबंधित है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था, तो ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद इसके आगे जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो।
रियो डी जेनेरियो जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मतलब ये है कि पृथ्वी की शिखर सम्मेलन, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विश्व के अधिकांश देशों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी स्वीकार्यता प्रकट की पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, इसलिए इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, 1992 में रियो डी जेनेरियो। सिटी पूछा जाता है कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो ये कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे, अब इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पर्यावरण की व्यापकता की बात की गई तो उसमें यह बताया गया कि पर्यावरण की संकीर्ण नहीं है, पर्यावरण का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। उसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 की बात की गई। एजेंडा 21 क्या है ये जान लेते हैं। जो एजेंडा 21 की जो बात की गई, एजेंडा 21 है क्या, तो एजेंडा 21 का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या उसको समझ कर 21 मुख्य बिंदु तैयार किए गए। 21 मुख्य बिंदुओं में यह देखा गया कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्या क्या समाधान हैं। तो प्रमुखता पर्यावरण संरक्षण को लेकर के 21 बिंदुओं का डेटा जारी किया गया, इसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। और साथ ही हमने आपसे क्या बताया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पर्यावरण की व्यापकता की बात की गई, तो इसी के अंतर्गत थ्री सिस्टर कन्वेंशन का क्या होता है, थ्री सिस्टर कन्वेंशन पर क्या बनती है, सहमति। थ्री सिस्टर कन्वेंशन का मतलब है तीन प्रकार के जो कन्वेंशन है उन पर देशों का क्या बनता है, सहमति बनती है। एक यूएनएफसीसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है अंकार्ड जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब यूएनएफसीसी का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, किससे है, जलवायु परिवर्तन। मतलब ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है पृथ्वी पर उससे संबंधित नियम कानून बनाने का काम कौन करेगा, यूएनएफसीसी। जैव विविधता के संबंधित जो कानून बनाएगा वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को लेकर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, अंकार्ड। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है बंजर भूमि में क्या हुई, उसकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम अंधाधुंध पेड़ों की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, जिससे जो मिट्टी है मतलब जो जगह है वो बंजर हो रही है इस कारण से। तो इस सेंस में अंकार्ड जो होता है डिजर्टिफिकेशन के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। यहीं से कॉप का भी अस्तित्व आया। कॉप का सेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जैसे हम कई देशों का, जैसे पार्टी का सेंस ये है एक देश से संबंध है, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तीनों मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ पर कैनिक सेंस है कि भारत एक पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया एक पार्टी है और अमेरिका एक पार्टी है। तो इस सेंस में वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का मतलब होता है कई देशों का एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस होना, ठीक है। अब सभी के लिए कॉप क्या है, अलग अलग है। यूएनएफसीसी के लिए होगा तो उसका कॉप अलग होंगे, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए होगा तो कॉप उसके लिए अलग होंगे, अंकार्ड के लिए उसके लिए क्या होंगे, कॉप अलग होंगे, तो इसकी अभी आगे बात करेंगे। उसके आगे आता क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संपन्न हुआ था 1997 में, कहाँ पर हुआ था, जापान में। अब इसको पूर्णतया लागू कब किया गया था, 2005 में। भारत ने इसको कब अपनाया, अगस्त 2002 में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, जापान में 1997 में। इसको भारत ने कब अपनाया, अगस्त 2002 में, ठीक। अब इसमें जो इसके लक्ष्य क्या थे, इसमें सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें सबसे पहले कार्बन क्रेडिट की संकल्पना दी गई। किसकी संकल्पना दी गई, कार्बन क्रेडिट। पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई। इसमें यह कहा गया कि लोगों को कार्बन क्रेडिट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा था कि कारखाने जो होते थे या जो कंपनीज वगैरह होती थी वो कार्बन को उत्सर्जन मतलब अनियमित रूप से कर रही थी, कोई लगाम कसने वाला चीज़ था नहीं। तो अब क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट हर एक कंपनी को या कारखाने को दी जाती है, कारखाना को, कि आप जो कार्बन को उत्सर्जन करेंगे उसकी एक सीमा होगी, उसके सीमा से बाहर जाएंगे तो आप पर क्या लगाएंगे, हम पेनाल्टी लगाएंगे। मतलब
जो भी उसमें पेनल्टी लगाएंगे उसके बेस पर। तो कार्बन क्रेडिट की बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक है। तो हर एक जो कारखाना होता है जिस जहाँ से कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कार्बन की क्रेडिट दी जाती है कि आप इस लिमिटेशन में इतना ही आप कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, उसे हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो इसका मेन एक ये लक्ष्य हो गया कार्बन क्रेडिट की बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल में। दूसरा जो था ग्रीन हाउस गैस की पहचान, अब इसका मेन लक्ष्य ये भी था कि ग्रीन हाउस गैस की पहचान की जाएगी और उसमें उससे संबंधित जो भी गैसेस हैं उसमें प्रतिबंधित की जाएगी ताकि भूमंडलीय तापन, भूमंडल का जो तापमान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उसके भूमंडल के तापमान को नीचे करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया ताकि हम तापमान को क्या कर सकें, नियंत्रित कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था, 2002 में। इसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है जो 2002 में हुआ था। इसको पृथ्वी 10 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी 10। कहने का सेंस ये है कि 1992 में पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, दूसरी बार कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। तो इसलिए इसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या था, इसने सामुद्रिक पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई थी। इसमें सामुद्रिक पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई थी, ऐसा नहीं कि पहले बात नहीं की गई थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस सामुद्रिक पर्यावरण की संरक्षण के लेकर की गई कि समुद्र का जो पर्यावरण डे बाई डे खराब हो रहा है, उसमें जो जल जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं उसका समाधान कैसे किया जाए, उनके संरक्षण के लिए कैसे काम किया जाए। तो इसमें पर्यावरण की व्यापकता की बात की गई क्योंकि हम प्राकृतिक जो हमारा जो स्थल में पाया जा रहा है उसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन मेनली फोकस अब कहाँ जा रहा है, सामुद्रिक पर्यावरण में जा रहा है। तो इस सेंस में इसमें आपको दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहला, जोहान्सबर्ग सम्मेलन आपका 2002 जिसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। उसके बाद आते हैं नुसादुआ सम्मेलन। अब ये नुसादुआ सम्मेलन कब हुआ था, 2007 में। कौन सा सम्मेलन, नुसादुआ सम्मेलन कब हुआ था, 2007 में। इसका लक्ष्य क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि 2050 तक ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई 2050 तक, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जब कमी लाएंगे तभी जो भूमंडलीय तापन है तभी कम हो पाएगा, नहीं तो जितना हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही भूमंडलीय तापन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो डूट इसमें टारगेट किया गया कि 2050 तक जो भी हमें जो पृथ्वी का जो तापमान है औसत तापमान उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करना है, रोकना है। मतलब वृद्धि की बात कर रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी जगह में हमें उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है जो 2050 तक वृद्धि होने वाला है। कहने का सेंस ये है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का अनुमान है या उससे ज़्यादा, लेकिन हम उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, लाएंगे। इसका लक्ष्य रखा गया नुसादुआ सम्मेलन में कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है, भूमंडलीय तापन को लाकर स्थिर करना है। अब ये भूमंडलीय तापन अगर बढ़ेगा तापमान तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अन्य देशों पर, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो जल है ना, जो हिम शिखर है, हिम पर्वत है, वो पिघलने लगेंगे और पिघल भी रहे हैं अभी, लेकिन पिघलने का रफ्तार उनका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तेज होने के कारण पृथ्वी पर जो जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के कारण जो आइलैंड जैसे देश हैं जैसे मालदीव वगैरह हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, डूबने लगेंगे, जिससे पूरी कंट्री क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इस समस्या को लेकर इसमें बहुत ही समस्या व्यक्त किया गया, किसी को किसी तरह क्या करना, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ये कब की बात की गई थी, नुसादुआ सम्मेलन में, क्लियर। तो इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ना होकर के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को बात की गई कि हमें इतने में रुकना है। उसके बाद हम कॉप की बात कर लेते हैं। जैसे हम कॉप की बात कर रहे थे कि कॉप का जो अस्तित्व आया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आया था, है ना। तो कॉप सब चीज़ों का अलग अलग होता है, UNFCCC का अलग अलग कॉप या UNCOD का अलग है या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का कॉप अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, UNFCCC, है ना। तो इसकी कॉप की बात कर रहे हैं,
तो कॉप वन जो पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था, कॉप वन मतलब कॉप वन जो हुआ था 1995 में, कब हुआ था 1995 में, कहाँ हुआ था बर्लिन में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कॉप वन कहाँ हुआ था बर्लिन में और कब हुआ था 1995 में। कोपेनहेगन सम्मेलन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था, कहाँ हुआ था डेनमार्क में। ठीक है, उसके बाद कानकुन सम्मेलन में चलते हैं। तो कानकुन सम्मेलन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड का विचार रखा गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब ये है कि विकसित देश प्राकृतिक संरक्षण के लिए तो विकसित देश आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन विकासशील देश क्या करें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें कि प्राकृतिक संरक्षण की बात करें। तो इस सेंस में यह कहा गया कि विकसित देश एक फंड बनाएंगे, इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड कहा गया, वो जिससे क्या करेंगे, वो विकासशील देशों को क्या करेंगे, सहायता करेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, ताकि विकासशील देश भी बड़ी सहजता व आसानी से क्या कर सकें, प्राकृतिक संरक्षण के लिए क्या कर सकें, काम कर सकें। तो कानकुन सम्मेलन के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड का विचार रखा गया कि हम ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद दोहा सम्मेलन होता है 2012 में, दोहा सम्मेलन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोहा सम्मेलन कहाँ कब हुआ था 2012 में, और दोहा कहाँ है, कतर में, कतर जो देश है वहाँ पर दोहा, मतलब कतर की राजधानी क्या है, दोहा। तो वहाँ दोहा सम्मेलन कहाँ हुआ था 2012 में हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, उसकी समयावधि जो थी वो 2012 थी, कि क्योटो प्रोटोकॉल के जो लक्ष्य होंगे 2012 तक प्राप्त करेंगे, लेकिन 2012 तक नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसे क्या किया गया, 2012 से 2020 इसकी समयावधि, मतलब समय को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद वारसा सम्मेलन 2013 में होता है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड में सहमति बन गई, यहाँ पर तो विचार था कानकुन सम्मेलन में, लेकिन जो सहमति बनी वो कब बनी, वारसा सम्मेलन जो कि 2013 में हुआ था। उसके बाद पेरिस सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पेरिस सम्मेलन जो है 2015 में हुआ था, कब हुआ था 2015 में, आप जानते हैं पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ठीक, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य मुख्यतः था कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का क्या लिया गया, लक्ष्य लिया गया, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इस सेंस में यह जो पेरिस समझौता था या पेरिस सम्मेलन था, यह बाध्यकारी भी था, ठीक है, उसके नियमों को लोगों को हर देश को क्या करना था, पालन करना था। लेकिन फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि अमेरिका ने उससे क्या लिया, एग्जिट हो गया, मतलब उससे बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सम्मेलन के अंतर्गत अमेरिका अपने आप को बाहर कर लेता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु की समस्याओं से लेकर के, उसके समाधान को लेकर के, तो वो पेरिस सम्मेलन जो कि कब हुआ था आपका 2015 में, पेरिस सम्मेलन आपका हुआ था। तो इतनी सी बात थी, आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि कौन सम्मेलन कब हुआ था, उसके लक्ष्य क्या थे, जो मेन थे मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो फिर से देख रहे थे, स्टॉकहोम सम्मेलन आपको 1972 में हुआ था, इसको प्रथम विश्व पर्यावरण, मतलब प्रथम मानव पर्यावरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यूएनएनपी की स्थापना कब हुई थी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है, साइट्स वाशिंगटन सम्मेलन के अंतर्गत 1973 में हुई थी। उसके बाद आपको देखना है वियना सम्मेलन कब हुआ था 1985 में, ओजोन परत के संरक्षण के लेकर के पहली बार बैठक की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इसका जो लक्ष्य था ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैसों और तत्वों पर निषेध लगाना, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंधित करने की बात की गई। उसके बाद ये भी ध्यान रखना, जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत ही हम सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, इसी के अंतर्गत एजेंडा 21 आया, थ्री सिस्टर कन्वेंशन आया, UNFCCC का कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अंकार्ड, इसका क्या हुआ, इससे निर्माण हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, इसको आपको दिमाग में रखना है, इसमें सबसे पहले कार्बन क्रेडिट की बात की गई। देन जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में, इसे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद देखा जाए तो आपका इम्पोर्टेंट इसमें जो है नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में, इसमें जो है उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई, जो तापमान है पृथ्वी का औसत तापमान उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने की बात की गई। ठीक, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो है COP1 आप दिमाग में रखिएगा, कब हुई थी 1995 में, कहाँ हुआ था, बर्लिन में। उसके बाद कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, दोहा कानकुन सम्मेलन, ग्रीन क्लाइमेट फंड का विचार आया था, दोहा सम्मेलन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिए दोहा सम्मेलन कब हुआ, 2012 में। वार्सा सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड पर सहमति बनी 2013 में। अब पेरिस सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी के अंतर्गत अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को बाहर किया जलवायु की समस्या मतलब उसके नियमों से, तो ये पेरिस सम्मेलन हो गया। ठीक, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।